नोएडा स्थित सेक्टर 33 में नोएडा हाट 17 फरवरी 2023 से शुरू होने जा रहा है। आपको बता दें कि सरस आजीविका मेले का शुभारंभ जल्द नोएडा में होगा। वहीं आपको बता दें कि नोएडा हाट में देश भर के हथकरघा एवं हस्तशिल्प के उत्कृष्ट सम्मानों की बिक्री एवं सह प्रदर्शनी के साथ मशहूर व्यंजनों का भी लोग लुत्फ उठा सकेंगे। वहीं सरस आजीविका मेला 24 सालों से आयोजित किया जाता रहा है और इसके जरिए से ही लाखों ग्रामीण महिलाओं को रोजगार के साधन भी मुहैया कराए जाते हैं। वहीं 17 फरवरी 2023 से शुरू होने वाले सरस आजीविका मेले के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मीडिया को अवगत कराया गया। नोएडा में तीसरी बार पर्यटन परम्परा कला एवं संस्कृति का मनोरम माहौल थीम पर आधारित सरस आजीविका मेला सेक्टर 37 में स्थित नोएडा हाट में लगने जा रहा है। आपको बता दें कि यह मेला 17 फरवरी 2023 से लेकर 5 मार्च 2023 तक चलेगा। जानकारी के अनुसार केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान द्वारा आयोजित इस मेले में मुख्य रूप से ग्रामीण भारती की शिल्प कलाओं को प्रदर्शित किया जाएगा। वहीं इस मेले में 26 राज्यों से 300 से अधिक शिल्प कलाकार एवं पारंपरिक हस्तकला एवं ग्रामीण संस्कृति तथा स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं भी भाग ले रही हैं। इसके साथ ही 85 से अधिक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी इस मेले में आयोजित किए जाएंगे। बल्कि उनका डेमोंस्ट्रेशन भी स्टेज पे कराएंगे कि मिलेट्स के कैसे डिशेस बनाई जा सकती है, क्योंकि वो आप सभी जानते हैं वो बहुत ही पौष्टिक होती है और जो कि भारत का जो असली कल्चर था, जो कि धीरे धीरे अब ये बाजरा ज्वार रागी छोड़ के गेहूँ चावल पे सारा फोकस कर दिया, तो वो उसका भी हम आप लोगों को बताएंगे। उसके लड्डू बनाए जा सकते हैं, डिफरेंट टाइप के स्नैक्स बनाए जा सकते हैं। थोड़ी देर शांति रखिए, मैं तो ज्यादा समय नहीं लूंगा। अनुरोध है दूसरे लोगों से तो मैं चाहूंगा कि आप जो उसको भी यहाँ आके देखें कि मिलेट्स का हम कैसे कहते हैं कवर करने जा रहे हैं। उसके लिए हमारे पास स्पेशली जो हम लोगों को लेके आ रहे हैं जो कि इसमें एक्सपर्ट हैं, वो भी आपको यहाँ पर बताएंगे। ये तो मैंने आपको कहते कि मेले के बारे में बता दिया कि हम इसको और बेहतर ढंग से और बड़े स्तर पे और बेटर ढंग से कैसे कर सकते हैं उसकी पूरी तैयारी है। मेले के साथ साथ हमने यहाँ पर कई कार्यशालाओं का भी आयोजन रखा है ताकि यहाँ जो हमारी बहनें आ रही हैं उनको और कैसे हम हेल्प कर सकते हैं। उसके लिए हम एक उनको कहते कि वर्कशॉप रखी है कि ब्रांडिंग और कैसे पैकिंग जो है कहते कि बेटर की जा सकती है, उसके बारे में हमने एक कार्यशाला रखी है। दूसरी कार्यशाला हमने रखी है कि आपको कैसे कस्टमर के साथ कहते कम्युनिकेट करना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर बहनें हमारे हर बार कोशिश करते हैं हम नई बहनों को लेके आए तो उनको पता होना चाहिए कि कैसे कस्टमर के साथ स्पेशली बड़े शहरों में दिल्ली जैसे शहरों में कैसे लोगों के साथ बात की जा सकती है, कैसे अपने सामान के बारे में बताया जाता है, तो वो भी इसके बारे में कहते कि बता सकती है। तीसरी हमने कार्यशाला रखी है कि ई मार्केटिंग का आपको सबको मालूम है कि आजकल तो बहुत जोर है, कुछ तो लोगों के फिजिकल स्टोर है ही नहीं, टोटल ई मार्केटिंग से जो इसके एक्सपर्ट हैं उन लोगों को बुलाया है। और एक वर्कशॉप हमने मिलेट्स के बारे में भी रखी है ताकि लोगों में जागरूकता मिलेट्स के बारे में भी फैलाई जा सके कि कैसे ये न्यूट्रिशन होता है और यहाँ तक कि कुछ कुछ तो ऐसी चीजें हैं जो डायबिटीज भी किसी को हो तो वो खा सकते हैं, तो वो बहुत फायदेमंद चीज है, उसके बारे में बताएंगे। एक हमने निस बड़े एक संस्था है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप और ये बैंकिंग के बारे में, तो उन लोगों को भी बुलाया एक कार्यशाला वो करेंगे। और एक हमने रखा है CFTRI, ये भी आपको कहते कि सेपरेटली यहाँ के लोगों को बताएंगे। इस प्रकार से हमने लगातार यहाँ कहते कार्यशालाएं भी रखी हैं ताकि इसका जो भी प्लेटफॉर्म यहाँ उपलब्ध हो रहा है उसका बेटर यूटिलाइजेशन किया जा सके। अब मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि मैं बताऊंगा तो ऐसे लगता है कि सरकारी चीजें सब बताई जा रही है। मैं तो चाहूंगा कि जो बहनें हमारे साथ जुड़ी हुई हैं वो खुद बताएं तो आप लोगों को उसका सही बात पता चलेगी कि क्या उनका इसके जीवन पे इम्पैक्ट आ रहा है और क्या फर्क पड़ा। और आज हमारा काम साल में 10-12 लाख रुपए कमा लेती है हमारी बहनें। पहले हम अपने पतियों पे निर्भर रहती थी, 10-10 रुपए हम अपने पतियों से मांगती थी, आज हमारे पति हमसे मांगते हैं। और जहाँ भी हमें मौका मिलता है सरस मेले में जाने का, हम वहाँ जाते हैं और अपना माल सप्लाई करते हैं और उस पैसे से अपना परिवार, अपने बच्चे, अपना सब कुछ मतलब चला रहे हैं। और मेरे साथ तो मेरे पति भी जुड़ गए, वो भी मेरे साथ काम करते हैं।
शुरुआत में तो उन्होंने मना किया था कि हम नहीं कर रहे ये काम, लेकिन मैंने कह दिया कि मैं करूंगी ये काम। तो धीरे धीरे 10 से 12 हुई, 12 से 20 हुई, 20 से 50 हुई, मेरे एसएचजी 40 एसएचजी मेरे अंडर में आते हैं। 40 एसएचजी की महिला कम से कम 400 होती है, 400 ही महिला मेरे साथ काम करती है और 3 गांव की महिलाएं काम करती है वो, और 10 से 12 हजार रुपए वो महीने के कमा लेती है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए नोएडा से अमर सैनी की रिपोर्ट।